हेलो स्टूडेंट, मैं अनु परमा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज में अहमदाबाद सीतापुर। ठीक है, आज जो है बच्चों, आज देखेंगे जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कोशिका की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसके पहले आपने जो पढ़ा है वो यहाँ पे जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना के बारे में पढ़ा था। ये दूसरी वीडियो है, इसमें आंतरिक संरचना पढ़ेंगे सेल में। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आपको बता दें, जितने भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनके मुख्य तीन भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग जो है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीन भाग होते हैं, हर एक प्रत्येक कोशिका के तीन भाग माने गए मेन रूप से, मुख्य रूप से। वैसे भाग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन रूप से तीन भागों में इसे डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आज जो है हम इन्हीं तीन जो है मुख्य भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जो सबसे पहला है वो आपका है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य। ठीक है, तो जीवद्रव्य क्या है आपको बता दें, कोशिका के अंदर जो है तरल जैलीसा, चिपचिपा, गाढ़ा, जो तरल भरा होता है, ठीक है, वो आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य। ठीक है, ये, और ये कहां पाया जाता है? ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है कोशिका के अंदर। ठीक है, अब जब कोशिका के अंदर भरा होता है तो जो है ये आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब यही जो है, अगर हम बात करें कि ये है क्या है, जैसे आपको हमने बताया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, पहली बात तो एक प्रोटोप्लाज्म, देखो प्रोटोप्लाज्म बना कैसे है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों वर्ड लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे देखिए, मेन जो होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये दो भागों से मिलकर के बना है, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस, ये दो चीजों से मिलकर के बना। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस दोनों चीजें आ जाती हैं किसमें? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये दोनों चीज यानी इन दोनों चीजों से मिलकर के आपका प्रोटोप्लाज्म बना। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्लियर हुई, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे क्यों लिखा गया। ठीक है, पहली बात तो एक ये थी यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म लिखा गया तो ये यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी दो चीजों से मिलकर के बना है, कौन सा हमारा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात हुई इसके निर्माण की। ठीक है, दूसरी बात है, इसकी खोज जो है सबसे पहले डुजार्डिन, क्या नाम है? डुजार्डिन। ठीक है, डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने जो है 1835 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, ये तो बात इनकी खोज की होगी। ठीक है, और ये क्या होता है? कोशिका में जैली सदृश चिपचिपा पदार्थ भरा होता है जो आपका जो है क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये पहला भाग हुआ। ठीक है, दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। ठीक है, आपको बता दें, आपने पहले जो है टॉपिक में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कोशिका भित्ति दी गई है, तो ये कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ओनली वन लेयर की बनी होती है, यानी कि इसकी लेयर एक होती है। ठीक है, ठीक है, और जो अगर हम प्लांट सेल की बात कर लें, तो ये तीन परतों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो वहां पे एक कोशिका भित्ति कहलाती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे कोशिका भित्ति जो वन लेयर से मिलकर के बनी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बनती है तो आपको बता दें, जो आपको आपका जो ये साइटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का
जब गाढ़ा पदार्थ जो है वो अत्यधिक गाढ़ा होने के बाद जब वो कड़ा हो जाता है तो कोशिका के बाहर, ठीक है, कोशिका के बाहर जो है ये एक प्रकार से आवरण के रूप में बन जाता है, ठीक है, आवरण के रूप में बन जाता है, यही आपका जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पर, वही ये क्या है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। तो ये बात हुई। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन इसका काम क्या है, तो ये काम क्या है, कोशिका में जितने भी अंग उपस्थित होते हैं उनको क्या है एक प्रकार से बांध के रखता है, ठीक है, एक प्रकार से उनको बांध करके रखता है और उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम यही करता है, ठीक है। तो इतनी बात हुई सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो यहाँ पे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म आप क्लास 9th में जो है प्रोटोप्लाज्म को एक नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, यानी कि इसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है या माना जाता है, कहा गया है, ठीक है, इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्यों इसे फिजिकल बेस ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार क्यों माना जाता है। तो देखिए, अगर जिस कोशिका में यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित हो जाता है, सूख जाता है, बेकार हो जाता है, तो वो कोशिका भी मृत्यु या उस कोशिका के मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर कहने का मतलब एक ये है कि अगर कोशिका में प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होगा तो वो कोशिका मृत यानी डेड मानी जाएगी, डेड सेल मानी जाएगी, यानी कि उस कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए एक छोटा सा पॉइंट है, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है, इसलिए माना जाता है, ठीक है, जहाँ पे अनुपस्थित होगा वहाँ पे ये कोशिका मृत हो जाएगी। जब कोशिका मृत हो जाएगी तो इसी तरह से, जब कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी तो इसी तरह से बॉडी का भी एंड हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई प्रोटोप्लाज्म की और सेल वॉल की, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है, तो बच्चों न्यूक्लियस जो है, आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कोशिका के अंदर जो है, अच्छा एक बात, न्यूक्लियस पढ़ने से पहले कुछ चीजें और सी क्लियर कर लेते हैं। जैसे बता दें कि अगर हम बात करें किसकी, प्रोटोप्लाज्म की ही बात करें, क्योंकि वो फिजिकल बेस ऑफ लाइफ यानी कोशिका का, कह लीजिए कोशिका का जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो बता दें कि ये जो है जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, है ना, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, इन सब से मिलकर के जो है ये हमारे प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए, जैसे प्रोटोप्लाज्म किन चीज़ों से मिलकर के बना है, क्या क्या चीज़ें उपस्थित है, तो सबसे पहले यहाँ पे जल देखेंगे, वो 66% जो है जल उपस्थित होता है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा जो है आपका प्रोटीन जो यहाँ पे 16% उपस्थित होती है, ठीक है। अगला जो है वसा यहाँ पे जो है आपकी ओनली 13% होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है 0.6%, ठीक है, नहीं 0% सॉरी 0.6%, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है 6% जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, और कुछ इसमें जो है हमारे तत्व भी उपस्थित हैं, जैसे लोहा, पोटास है, ये इस चीज़ें जो है वहाँ पे उपस्थित होती हैं, वो भी 5% की मात्रा में वहाँ पे उपस्थित होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसकी प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, इसमें इन चीज़ों की उपस्थिति होती है और इनसे मिलकर के एक तरल गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो बनता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रही थी, तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। अगली बात जो है न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या, देखिए इसकी संरचना कुछ ऐसे बनती है, दोहरी लेयर का होता है,
ये आपका न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, यकी केंद्रिका, ठीक है। और इसके बाहर जो है, एक मिनट, इसके बाहर जो है कुछ ऐसी संरचना उपस्थित होती है, पे कुछ बिंदी से संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो आपकी राइबोसोम कहलाती है, ठीक है। न्यूक्लियस, और ये आपका इसमें क्रोमोसोम, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये इस तरह से संरचना देता है, ठीक है। तो इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट, इसकी खोज सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने, ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है, इसकी खोज की थी। इसे कोशिका का जो है एक प्रकार से नियंत्रण कक्ष या केंद्र माना जाता है, ठीक है। सारी गतिविधियों का जितना भी कार्य होता है वो हमारे न्यूक्लियस के माध्यम से होता है, किसके माध्यम से, न्यूक्लियस के माध्यम से होता है, ठीक है। और इसके तीन भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। सबसे पहला तो एक ये है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि कोशिका के अंदर जो यहाँ पे द्रव उपस्थित होता है, तरल, चिपचिपा, ठीक है, वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे है वो आपका रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है इसमें क्रोमोसोम, ठीक है। और अगला भाग इसका हो जाता है न्यूक्लियोलस, यानी कि इसके चार भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन चार भागों के रूप में इसको हम पूरा कंप्लीटली तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये आपकी जो है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की आंतरिक संरचना में कुछ बेसिक सी जानकारी हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी इनर सेल के बारे में, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं आप क्लास 9th में भी एक बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। तो इनको कम्प्लीटली आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। आगे जो है इनके कार्य के बारे में, ठीक है, कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको जो आप तैयार कर लें, थैंक्स।